कार्यक्रम ये रहा कि आज मुझे वसीम खान जिला अध्यक्ष हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया था और मैंने अपनी पूरी टीम गठित करी, जो कार्यकारिणी थी मेरी मंडल अध्यक्ष की, मैंने सारे उपाध्यक्ष महामंत्री और जो भी लोग थे उसको मैंने मीडिया प्रभारी वगैरह सारे आज लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में उन लोगों को मुलाकात कराई और अपने जो बड़े लीडर थे डॉक्टर तन्वीर साहब, भारत भूषण गुप्ता जी और मेरे जिला अध्यक्ष। अब आगे कैसे लेकर चले? अब लेकर ये चलेंगे कि हम अपना एक माहौल ऐसा बनाएंगे अल्पसंख्यक मोर्चे का कि अपने मंडल में सारे लोग वर्क करेंगे, जो जो मंडल को जिम्मेदारी दी है वसीम खान ने, और अपने अल्पसंख्यक को इतना मजबूत करेंगे कि इंशाल्लाह अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीतता है तो नाम अल्पसंख्यक का भी उसमें शामिल दर्ज होगा और अच्छे से होगा। देखिए 2022 का चुनाव नजदीक आ चुका है, हम यही चाहेंगे कि रामपुर की 5 विधानसभा पे हम अल्पसंख्यक समाज इतना वोट करे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और जिताए और जिता के भेजे। सरकार हमारी दोबारा रिपीट हो रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पूछेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें विधानसभा की जीतना है। आज मेरे रियाज भाई हैं मिश्र जिनके मंडल अध्यक्ष बनाए, तो मैंने आज कमेटी बनाई थी, हमारे भारत भूषण जी हैं, डॉक्टर तन्वीर थे, तो सारे लोग आए थे, एक बार बात हुई और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को उनका किया और उनका हौसला बढ़ाया। मैं बहुत बहुत हूँ कि अपना इतना कीमती टाइम आपने दिया का बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसी बात को अपनी जो रियाज भाई हैं कि हम लोग हर बूथ पे जाके बूथ को जिताने का काम करें भारतीय जनता पार्टी को, और विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी हो, हमें प्रत्याशी को नहीं देखना है, हमें देखना है हमारा ट्रेड कौन है, कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट करें 5 विधानसभा हमारी जीत के। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष वसीम भाई ने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है, यहाँ नए जो मंडल अध्यक्ष बनाए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक कार्यक्रम रखाई और इसमें शुक्रिया का कार्यक्रम था, मोटिवेशन का कार्यक्रम था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी, खासकर इस महफिल में सारे मुस्लिम समाज के मौजूदगी थी, उपस्थिति थी, और ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत अच्छा काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2022 में बड़ी तादाद में चुनाव वोट करने वाला है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है नगर से, क्योंकि अब शायद ऐसा लगता है कि मुसलमान भाइयों ने तय कर लिया है कि तरक्की सरकार के साथ होती है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो भारतीय जनता पार्टी से अलग रह के काम नहीं चलेगा। पिछले चुनाव में भी वोट देके जो विश्वास उन्होंने जताया है, जो बात अधूरी रह गई थी उसे शायद पूरा करने के लिए अब के समाज के लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष की और जिला अध्यक्ष की टीम बहुत अच्छी बनी है, ये चुनाव में बूथों पर काम करेगी और अपने समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बड़ी तादाद में वोट कराने का काम करेगी और एक रिकॉर्ड यहाँ से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी 2022 में पहली बार यहाँ से कमल खिला के लखनऊ में उपस्थिति दर्ज कराएगी और रामपुर के विकास की एक नई दिशा और दशा तय करेगी।